पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अब की से पर्यटनों के लिए हाथियों की सौगात मिली है। इससे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हाथी नेपाल के जंगलों से आते थे और यहां रुकने के बाद वापस चले जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश केंद्र सरकार ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए 4 हाथियों की सौगात दी है। यह हाथी कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क से 14 दिन के सफर के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचे, जिसमें 7 वर्षीय सूर्या, 8 वर्षीय जो इकलौती फीमेल मणिकांता है, 14 वर्षीय सूर्या और 12 वर्षीय निसर्गा है। इनको पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कर्नाटक के 8 महावत आमजद पाशा, मंसूर खान हिदायत पाशा, शिव कुमार, मनु दीनू, राजेश कुमार और बाला अन्ना की देखरेख में रखा जाएगा। मोनिका जी, यहाँ पर आई हैं आप, इससे पहले आपने यहाँ पर शेर देखे होंगे, पैंथर देखे होंगे, भालू देखे होंगे, अब हाथी, क्या कहना आप? नहीं, ये तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे एरिया में हाथी जो है आज 4 गजराज यहाँ पहुँचे हैं और सरकार की तरफ से भी ये एलिफेंट रिजर्व घोषित किया जा रहा है एरिया, तो बहुत खुशी की क्षण है हमारे लिए। आज हम लोग यहाँ पे हाथी कर्नाटक से मंगवाए हैं, 4 हाथी हैं, इसमें 3 मेल हैं, 1 फीमेल है। ये हाथी हम यहाँ पे इसलिए मंगवाए हैं, यहाँ बच्चों का हाथी से एन्जॉयमेंट हो, हाथी के माध्यम से हमारे टूरिज्म बढ़े, और ये सबसे बड़ा काम ये है वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन कंफ्लिक्ट जो होता है, अक्सर शेर बाहर आ जाता है तो शेर को रोकने के लिए हाथियों का सहयोग लिया जाता है ताकि कहीं भी कंफ्लिक्ट ना हो। हाथी सबसे ऊंचे जानवरों में से एक है, दुनिया के सबसे ऊंचे जानवरों में से एक है, और हमारे यहाँ इस क्षेत्र में हाथी कम थे इसलिए हमने यहाँ से हाथी मंगाए। सर, क्या लगता है कि सरकार लगातार पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, क्या कहें? सरकार बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रही है और यहाँ पर हम पीलीभीत को एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट बना देना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट में से एक हो यहाँ पे। और अब तो दिल्ली से आदमी चल के बरेली में हवाई जहाज से उतरे और घंटे भर में पीलीभीत आ जाए और पीलीभीत में जंगल देखें, हमारे चूका बीत जाए, शेर के दर्शन हों उसे और जानवरों को देखें, सबसे बड़ी बात यह जंगल देखें, उसके बाद कर्तनिया घाट जाए और कर्तनिया घाट